हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाली मूवी कल जो रिलीज होगी, बजरंग और अली के बारे में। तो इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन स्टार्ट करूं और वर्डिक्ट दूं, आप पब्लिक का ओपिनियन देखिए। प्लॉट पे पहले भी बनता रहा है, लेकिन लगा ये कि जल्दबाजी की है फिल्म बनाने में, और बहुत सारी जगह पे नेचुरल टच गायब रहा है। लग रहा है कि एक थॉट को फ्रेम करके ठोक दिया गया है, बड़ा नेचुरल किस्म की लाइफ दिखा रही पाई है। बाद में थोड़ा हुआ है, बाकी वक्त के हिसाब से हिंदुस्तान की जरूरत है, सब मिलजुल कर रहे हैं, अच्छी दोस्ती रहे और डिस्टर्ब ना करें लोग। तो कुछ लगता है कि चेंज आएगा हिंदू मुस्लिम में? हाँ, हिंदू मुस्लिम में कुछ चेंज आएगा, कुछ यूनिटी बढ़ेगा? पहले तो इस तरह की फिल्में बनती ही रही हैं, हिंदू मुसलमान दोस्त रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हिंदू मुसलमान दोस्त रहते ही हैं, ये कुछ अलग से बनने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, और मान लीजिए कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आपके बराबर वाला कौन बैठा हुआ है, आपके साथ सफ़र किसके साथ पूरा हुआ। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी होता है, हो सकता है बौद्ध भी हो सकता है। तो नेचुरल ज़िंदगी अलग है, और वहाँ सहज रूप से बिना देखे एक दूसरे के दोस्त होते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है कि दोस्त बनाते वक्त पहले सोचे कि ये हिंदू है या नहीं, ये मुसलमान है या नहीं, ये सिख है या नहीं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, लेकिन ये अस्थाई है, ये लंबे समय तक नहीं चलता है। जीवन जीवन है, जीवन जीना चाहता है, और जीने के लिए उसे इंसान चाहिए, हिंदू या मुसलमान नहीं चाहिए। तो कितने स्टार देंगे अंकल आप? 5 में 3.5 दूंगा मैं। मूवी यार कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इंसानियत को ऊपर रखकर बनाई गई है, रिलीजन को थोड़ा बैक फुट पर लाने की कोशिश की है भाई, धर्मों से हटकर इंसानियत बढ़ी है, बाकी थोड़ी बोर करती है मूवी। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान में यूनिटी आएगी इसको देख के? मुझे नहीं लगता है। अच्छा। लिखा फ्लॉप कहानी सी लग रही है, कुछ ज़्यादा बनावटपन है। अच्छा, 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 2। तो भाई क्या कह रहे हैं मूवी के बारे में? मूवी अच्छी है यार, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है फिल्म का, कि जो हिंदू मुसलमान जो हम बंटवारा करते हैं, जो हम एक डिस्क्रिमिनेशन से करते हैं कि एक हिंदू और एक मुसलमान, कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान कोई दोस्त नहीं हो सकते, उसको ये बिल्कुल ही तोड़ती है उस थॉट प्रोसेस को। और इसमें क्योंकि दो दोस्तों की दोस्ती दिखाई है, जो कि ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखा है तो पता ही होगा आपको क्या स्टोरी, बट वो बॉन्डिंग जो है उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से निखार के दिखा सकते थे। बट द क्लाइमैक्स विल गिव यू गूज बम्प्स, बिकॉज क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा है फिल्म का, एंड या इट्स नाइस मूवी। तो मुझे लगता है हिंदू मुसलमान में यूनिटी और बढ़ेगी इस मूवी को देख के। देखो यार, इस फिल्म में कोई वैसे जाना माना चेहरा है नहीं, तो इस फिल्म की प्रमोशन भी शायद बहुत ही कम हो रही है। फिल्म अगर देखेंगे लोग तो भाई, कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा इस थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि हाँ नहीं जी ये मुसलमान है इससे बात नहीं करनी, ये हिंदू इससे बात नहीं करें, तो उनके थिंकिंग पे तो थिंकिंग प्रोसेस पे तो चेंज ज़रूर आएगा। लेकिन क्योंकि इसकी प्रमोशन ज़्यादा नहीं हो रही है फिल्म की, ना इसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, इसलिए बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी, और शायद उन लोगों तक पहुँचेगी नहीं जो कि ऐसी घटिया थिंकिंग अपने माइंड में रखते हैं कि हिंदू अलग होता है मुसलमान अलग होता है, तो यूनिटी में बिलीव नहीं करते, उन तक तो शायद ये फिल्म पहुँचेगी नहीं, पर पहुँचनी चाहिए। 5 में से कितने स्टार दोगे भाई? 3। थैंक यू। देखिए भैया, बजरंग और अली देखिए फिलहाल, तो कैसे लगी? ठीक है भैया, देखो डायरेक्टरों ने और राइटर ने कोशिश पूरी करी है, मगर ग्राउंड में जो है इस तरीके से जो है होता नहीं है। और बजरंगबली तो हमारे शुरू से ही अच्छे हैं, बजरंगबली का देश है, राम का देश है, और अली को जो इसमें दिखाया है, अली के जो भाई के दोस्तों ने जो करा है वो सच्चाई दिखाई है, कि वो हथियार लेकर आते हैं, दिल्ली को हिलाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ तो उन्होंने अच्छी दिखाई है। राइटर को ये तो पता था ग्राउंड में कि एक्चुअल में ऐसा होता है, बाकी ठीक है, बहुत अच्छी या बहुत बुरी भी नहीं बोलेंगे, जिसने मेहनत करी है वो आगे और मेहनत करे, और शुरुआत जो होती है वो हमेशा अंत नहीं होता, शुरुआत बहुत आगे तक जाती है। और मतलब लगता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी आएगी इस मूवी को देख? देखो भाई साहब, अगर इससे हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आती ना, तो चाइना में रोज मस्जिदें टूटती है, वहाँ पर जो है ना चाइनीज लोगों के साथ मुस्लिमों की यूनिटी आनी चाहिए थी। अगर इससे यूनिटी आती तो ऐसी मूवी पाकिस्तान में भी दिखानी चाहिए, जहाँ रोज मंदिर टूटते हैं और जहाँ 27% हिंदू थे, 2%
डिफरेंट रह गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मूवी दिखाने से यूनिटी नहीं आती है। यूनिटी आती है जब जनता खुद चाहे और साथ के साथ, खाली बजरंग अगर अपने आप को अच्छा दिखाएगा, अच्छा मैसेज देगा ना, सेकुलर रहेगा, तो अली हमेशा सर पे चढ़ेगा। अली अच्छा होगा तो बजरंग बढ़िया होगा। खाली बजरंग के अच्छा होने से कुछ नहीं होता। और हिंदू जो होता है वो शुरू से सेकुलर है। हिंदू के सेकुलर होने से काम नहीं चलेगा, सेकुलर सामने वाला होगा तो काम चलेगा, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। नाम ही है बजरंग और अली, तो ये हिंदू मुस्लिम के बारे में है, जहाँ पर दोस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बजरंग और अली के बीच में दोस्ती है, और वो दोनों हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है अली, तो अली और अजान भी पढ़ सकता है। वैसे सेम है, बजरंग भी है, अजान भी पढ़ सकता है, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है। तो आप इंसानियत दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है। लेकिन बात की जाए टॉपिक की, तो टॉपिक बहुत वैसा है कि मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई हूँ हिंदू मुस्लिम टॉपिक को देख देख के। तो पर्सनली इस फिल्म को अगर फैमिली के साथ देखने जाना हो तो मैं कभी नहीं जाने वाली। मतलब क्या लगता है, यूनिटी आएगी देख के हिंदू मुस्लिम में? यूनिटी है, मतलब ग्राउंड लेवल पे है या नहीं है वो तो आपको बाहर जाके पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि है। और फिल्म बनाने की ऐसा सच, मतलब अगर बात की जाए ऐसे एरियाज में जहाँ पर बहुत लोअर एजुकेशन है, जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, वहाँ स्टिल ऐसा होता है कि आप वो कर लें कि तुम मुस्लिम हो और हिंदू ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप दोनों साथ में बैठ के खा भी रहो, पी भी रहो और सेम चीज़ बोल भी रहो, तो मुझे लगता है इतना डिफरेंस आता है। तो एक मतलब ऐसे एरियाज में ज़्यादा देखने की ज़रूरत है जहाँ पर एजुकेशन कम है। और यहाँ सिनेमा में तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इसे देखने आएंगे, पता नहीं क्या ही उनका रिएक्शन होगा। मेरा रिएक्शन तो बहुत, मतलब टॉपिक बहुत ही वैसा है कि ठीक है देखा हुआ है, हमने हिंदू मुस्लिम पर पहले भी पिक्चर्स देखी हैं, सो आई एम जस्ट फेड अप। ओके, तो कितने स्टार दोगे आप आज में? आई विल गिव 2 स्टार। तो ये तो था पब्लिक का ओपिनियन, अब अपना ओपिनियन देते हैं इस मूवी के बारे में। तो जो ये मूवी है ये दो कैरेक्टर्स के ऊपर है, बजरंग और अली। बजरंग जो है वो एक पुजारी है, अली जो है वो एक मौलाना है। बजरंग रोज सुबह पूजा करता है मंदिर में, अली रोज सुबह अजान करता है मस्जिद में। ये तो थी दोनों कैरेक्टर के बारे में बातें। ये दोनों कैरेक्टर स्टार्टिंग में तो मतलब हिंदू मुस्लिम करते हैं, बट बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये पहले से भी दोस्त रहते हैं, बट कहते हैं ना कि थोड़ा रिलीजन का इनके बीच में आता रहता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद इनकी लाइफ में क्या होता है, क्या होता है जो इनकी दोस्ती की परीक्षा होती है, और इनके घर वाले इनकी दोस्ती के अगेंस्ट रहते हैं, फिर भी इनकी दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ता है, ये इस मूवी की कहानी है। तो कहानी कही जाए तो ये मतलब आज के ज़माने में, मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि थोड़े बहुत हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे लोग सवाल उठा रहे हैं, तो हिसाब से हम कह सकते हैं कि आज के टाइम के हिसाब से मूवी की कहानी जो मतलब एक अटेम्प्ट था वो तो अच्छा था, बट कहानी काफ़ी ओल्ड फैशन है, आज के ज़माने में ये कहानी फिट नहीं होती। तो मूवी के स्टोरी को मैं कहूँगा कि स्टोरी काफ़ी एवरेज थी। अच्छा, अब बात करते हैं मूवी में एक्टिंग के बारे में। तो बजरंग और अली दोनों ने जो कैरेक्टर प्ले करा, उन्होंने ठीक ठाक काम करा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा है, दोनों ने ठीक ठाक काम करा है। जो उनके कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरा ट्राई करा वो करने की, बट वो बात नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करा। उन मतलब दोनों कैरेक्टर्स को ऐसा नहीं कि बहुत सारी मूवीज़ में आए हो जो दोनों मेन लीड थे, बट उन्होंने काफ़ी ठीक काम करा। तो मैं एक्टिंग को भी कहूँगा कि दोनों एक्टर्स की जो एक्टिंग थी वो एवरेज थी। बात तो सही है। अब बात करते हैं मूवी में डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी वन डायमेंशनल था, कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इस डायरेक्शन में, बट जितना भी मूवी की स्टोरी के हिसाब से डायरेक्शन करना था, डायरेक्टर ने उस हिसाब से काम ठीक ही ठाक करा है। तो मैं कहूँगा कि ही डिड अ प्रीटी गुड जॉब, वी कैन से। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस मूवी के बारे में, स्टोरी, एक्टिंग और डायरेक्शन के बारे में। तो मैं फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ इस मूवी की। तो इस मूवी को मैं 5 में से 3 स्टार्स दूंगा, और वो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी गुड कॉन्सेप्ट था। मतलब काफ़ी दिनों बाद एक ऐसे हिंदू मुस्लिम की कहानी आई, और कुछ मतलब थोड़े बहुत फैक्ट्स सही दिखाए, ऐसा नहीं था कि दोनों को मतलब बहुत ग्रेट दिखाया हो, मतलब दोनों रिलीजन को। दोनों रिलीजन में मतलब दिखाया गया कि दोनों रिलीजन में जो घर के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, मतलब थोड़े बहुत फैक्ट्स सही दिखाए थे, और कई कई जगह मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा दिए जो कि बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है आज के ज़माने से। तो इस मूवी को मैं 3 स्टार्स दूंगा। मतलब आप एक बार फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं इस मूवी को, और मतलब थिएटर में जाकर आपको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा बहुत। अगर आप दोस्तों के साथ जाओगे तो आपको मतलब लगेगा कि अगर आपके मुस्लिम दोस्त है तो आपको लगेगा कि हाँ
मतलब इससे दोस्ती आपकी थोड़ी और स्ट्रांग हो सकती है। मैं ये कहूँगा बाकी इस मूवी से कुछ ऐसा फ़र्क नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा यूनिटी हो जाएगी। वैसे भी जिनको यूनाइट रहना होता है वो यूनाइट रहते हैं, जिनको नहीं रहना होता वो नहीं रहते हैं। तो मतलब डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर थे उनका एक अच्छा अटैम्प्ट था हिंदू मुसलमान को एक करने का। तो ये तो था मेरा वर्डिक्ट। आप भी इस मूवी का वर्डिक्ट आप दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये मूवी कैसी लगी, अच्छी है बुरी, जैसी भी लगी आप कॉमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको मेरा वर्डिक्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय एंड जय हिंद।